भैया लाइन में आ जाओ यार, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। क्या मेला लगा रखा है यार? कालू चाचा, कालू चाचा। वाह, अच्छी बत्ती दे रही बेटा। लाइन में पीछे रह गई तो दुकान के मालिक को चाचा बना लिया। नीनी, वो सच में मेरे चाचा है, मतलब मेरे पापा के दोस्त है वो, सचमुच वाले। लाइन में चार नंबर और पीछे रह जाती तो कालू पापा बुला लेती उन्हें। चुपचाप खड़ी रह। इसे आगे भी निकालना है क्या? चल आगे बढ़। हाँ। आगे आगे। अरे बाप रे, बहुत देर हुई, वहां आरती शुरू हो गई होगी। भोग? अब पंडित जी बस आता ही होगा। ए? पैदल आ रहा है या सवारी मिली है कोई? अब विधि लेने गई है, बस आती होगी। विधि गई है? ए माई, आज जल से काम चलाना दिखता पड़ रहा है। गुड़ चना खिला दे मैया को। अब मतलब भोग तो आएगा ही, पहले मैया मुंह ही मीठा कर ले। हाँ बोल, क्या चाहिए? भोग, भोग चाहिए था। अरे लेकिन कौन सा भोग? राज भोग, लल्लन भोग, कितने किलो चाहिए? अरे ओ भैया, इसी के लिए खोली है क्या दुकान बस? और हम सब क्या लंपट है यहाँ पर? बहना परे होलो, जब बत्ती जल जाए बता देना आपको क्या चाहिए। ओम जय मैया मिलापिनी देवी, जय मैया मिलापिनी देवी, जय मैया मिलापिनी देवी, जय मैया मिलापिनी। अरे निधि बेटी, तुम यहाँ अलग से क्यों खड़ी हो? भोग लिया के नहीं? नहीं, वो भैया को नहीं पता। अरे भैया, ये मिलापिनी देवी वाले हरि प्रसाद जी की बेटी हैं। मंदिर का भोग रोज यहीं से जाता है, ये कालू चाचा इनके लिए छोड़ कर गए थे। संभल के, कहीं देवी माँ भड़क गई ना तो जीवन भर ऐसे ही कुंवारे रहोगे। ये पैसे, ये गिन लेना। शुक्रिया। नहीं, वो मंदिर उस तरफ। सॉरी। इतना टाइम लगता है एक प्रसाद लाने में? पगली फिल्म कही की? चाची, वो मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। देख कैसे गुस्साए हुए सब। अरे वाह, सुख रहे, भोग आया तो सही। अब उस विधि के भरोसे रहे तो सुबह का प्रसाद संध्या आरती में चढ़े, इसलिए मैं खुद नंगे पांव दौड़ ले आई। स्कूल के लिए लेट हो रही मैं चली। ठीक है, बाय दी। कहाँ रह गई थी तू? वो माँ, शहर में ना कोई बहुत बड़ी शादी है तो दुकान की तो सारी मिठाइयाँ वही निकल ली, मतलब पूरी सड़क पर ना इतने बितरे गाड़ियां भरी हुई थी, पता ही नहीं। इसीलिए तो हमारे सराफा बाजार की सारी दुकानें बंद हैं आज, तभी तो छुट्टी मिली मुझे। अपने इंदौर में राजकुमार वाला घर भी है क्या कोई? Yeah.
ओपन द डोर बच्चे। टची टची। बहन को हुई जरा सी तकलीफ और सौतेले बड़े भाई ने छोड़ दी पूरी दुनिया। बहन का हाल पूछने दौड़ा चला आया। खोल बेटा मैं हूँ। भाई प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अब वो तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि जब तक मैं हूँ तू कभी अकेली नहीं हो सकती। प्रॉब्लम बता क्या है, सॉल्व करते हैं। क्या हुआ? जब तक बोलेगी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूंगा? आप नहीं कर सकते, इट्स बियॉन्ड। जब बात तेरी प्रॉब्लम की है तो मेरे लिए कुछ बियॉन्ड बियॉन्ड नहीं। चल बोल। भाई वो मैं ये शादी नहीं कर सकती। व्हाट? क्यों? विक्रम ने कुछ कहा? विक्रम नहीं, उसकी ग्वालियर वाली एमी मौसी। क्या किया उसने? किया नहीं है, करने वाली है। विक्रम बता रहा था कि उसकी एमी मौसी जितनी हॉट एंड हैपनिंग लगने वाली है ना शादी में, उतना कोई लग ही नहीं सकता। इतनी बार इतना कुछ बोल चुका ना अपनी एमी मौसी के बारे में, सुन सुन के मैं कॉम्प्लेक्स में आ गई हूँ। भाई शादी मेरी, अब दुल्हन से ज्यादा दूल्हे की मौसी ने शाइन मार दिया तो मैं तो लाइफ लॉन्ग। किसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? किसी मौसी से? कौन है ये एमी मौसी? क्या वो मेरी सुपर क्यूट सुपर प्रिटी चित्रा से उसके सबसे स्पेशल दिन पे उसे ज्यादा खूबसूरत लग सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल। उसके चेहरे पे चमक कैसे आएगी? मेकअप से, विच इज ओके, सब करते हैं, तूने भी किया। लेकिन तेरे चेहरे पे एक स्पेशल चमक आएगी। वो कैसे? वो तेरी खुशी से आएगी, उस प्यार से आएगी जो तू बांटती है। से बाय टू टीयर्स एंड गिव मी अ ब्यूटीफुल स्माइल। भाई आप मेरी शादी के बाद भी मेरी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करोगे ना? क्योंकि मेरी बहन की चाहे शादी हो या वो तीन बच्चों की दादी हो, वो हमेशा इस घर की प्रिंसेस रहेगी। चित्रा। थैंक यू भाई। उफ, सो टची टची। ये तो हमेशा प्रिंसेस ही रहेगी भाई साहब, और मैं सर्वेंट, वो भी सौतेली। प्रिया तुम जानती हो मुझे तुम्हारी भी उतनी फिक्र है जितनी। ऑफ कोर्स नॉट भाई साहब, एक्चुअली है नहीं मेरे पास, वरना इतने बड़े झूठ के लिए आपको कोई मेडल जरूर दे देती। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? क्यों लगता है? हर बात पे लगता है भाई साहब। एग्जाम्पल दूं, महाराज की शादी है, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए और है भी। मेरा क्या? Do you even know कि मेरे relatives के लिए अभी तक कोई beautician नहीं आई है? Impossible. मैंने खुद list देखी है, खुद approve की है। बनाई होगी, check की होगी, लेकिन जो लोग आने वाले थे अब वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके कुछ problem हो गई है। लेकिन किसको परवाह? भाई तो princess में लगा हुआ है। I mean, function शुरू होने को है, time बिल्कुल भी नहीं बचा है और मेरे relatives बैठे हुए हैं। खैर, काश मैं भी प्रिंसेस मानी जाती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती भाई साहब। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे रिलेटिव्स को किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं खुद किसी ब्यूटिशियन को फोन करके बुलाता हूँ। आई डोंट बिलीव दिस, द वन एंड ओनली देव रायचंद जी ब्यूटिशियन को खुद फोन करेंगे, वो भी मेरे लिए। बहन जितनी वैल्यू अपने छोटे भाई की वाइफ और उसके रिलेटिव्स की करती और क्या चाहिए। ऑलराइट देन भाई साहब, अगले एक घंटे तक आपसे कोई शिकायत नहीं, खुश? भाई साहब पता है विधि की वजह से मेरी गोल्डन की इज्जत 12 के ढेर हो रही है। अरे लोग मजाक बनाते हैं उसका कि विधि उसकी चचेरी बहन है। आप तो ना विधि को समझा दो कि वो लोगों को ये बताना ही छोड़ दे कि गोल्डन से उसका कोई रिश्ता नाता है। एसपूज, हेलो। या हाय, इज दिस गोल्डी लॉक ब्यूटी पार्लर? देव देवव्रत,
नो सिग्नल. हेलो, वेट सर, आई आंसर सर, वेट. हेलो विधि, 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 ए विधि बेटा, ये ना फोन, कोई ना इंग्लिश में किटकिटा रहा है, अब सुनना. नहीं, हाँ बात करना. हेलो. हाय, दिस इज देव, देव व्रत दिस साइड. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस बिग वेडिंग इन द सिटी. यस यस. ओके ओके, श्योर. किसका था चाची? वो शहर में जो बड़ी वाली शादी हो रही है ना, उन्हीं के यहाँ से फोन था. अरे वो जगह जगह जिनके झांकी झंडे हो रखे हैं, हाँ उन्हीं के, उन्हीं के यहाँ से. हाँ फिर? हाँ, उन्होंने एक घंटे में अपने घर पर बुलाया है और उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म लगने वाली है और वो यूनिफॉर्म उन्होंने आपके ब्यूटी पार्लर में भिजवा दी है. इतने बड़े घर से मुझे? विधि, हाँ वो देख, इतना बड़ा ऑर्डर है और वो मेरी असिस्टेंट मधु मरी आज ही छुट्टी लिए हुए है, तो चलना बेटा. हाँ चाची, मैं, हाँ मैं अकेली ना संभाल पाऊंगी. चाची को मना ना करना. हाँ ठीक है चाची, मैं चलूंगी. पर चाची, आप जितने पैसे मधु दीदी को देती थी उसके आधे मुझे दोगे? मुझसे पैसे मांग रही है तू? हैं? एक चंकट लगाऊंगी ना, संकट में आ जाएगी अभी. चाची आप मधु दीदी को भी तो पैसे देते हो और मैंने तो बस आधे ही मांगे हैं. अरे मोरी मैया देखो, अरे मैं तो मीठे पर दुनिया खारी, मैंने इसे बेटे समझ के साथ चलने को कहा और ये अपनी माँ तरीकी चाची से पैसे मांग रही है. क्या हुआ उर्मिला? अरे वो बड़े घर में शादी है ना, तो वहाँ से बुलावा आया कि आके ब्यूटी पार्लर का काम कर दो. मैंने इसे बेटी समझ के साथ चलने को कहा तो ये बोल रही है कि पहले हाथ में पैसे धरो वरना जहाँ खड़ी हूँ वहीं खड़ी रह जाऊंगी. चाची मैंने ऐसा तो नहीं कहा. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. इस घर की लड़कियां बाहर जाके कोई काम ना करेंगे. भाई साहब, चार पैसे आएंगे तो घर की दीवारों को ही तो सारा लगेगा ना, और फिर कौन सा घर मजदूरी करने जाना है? अपने घर का ही काम है, क्यों जी? हाँ जाने दीजिए ना, ये तो है ही साथ, ध्यान रख लेगी. फिर गोल्डन घर होती और आपको जरूरत पड़ती तो मैं उसे रोकती क्या? ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी पे भेज रहा हूं मैं. ठीक है भाई साहब, चल बेटा. सुबह से कुछ ना खाया है इसने, चाय टोस्ट तो खाने दे. ओहो ठीक है, मैं जा रही हूँ पार्लर और वहां से ना अपनी यूनिफॉर्म और वो दिल्ली वाले महंगे वाले कटोरे लेकर जाऊंगी. ऐसी ही एक नंबर मुर्गी के लिए, मेरे मतलब कस्टमर के लिए है. तू एक काम करना, तू ना पार्लर जाना, यूनिफॉर्म उठाना और बेटा देख टेम पे पहुंच जाना है. मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही ना. ठीक है ठीक है, चले. हाँ चलो ना. तू ऑटो में ही जाना. पर क्यों माँ, बस भी तो होती है. होने को तो टांगे भी होती है, पर वरना आज ने कितना काम हो, कितनी थकान पड़े, ऑटो में जाना. ठीक है माँ. तू ये पहन के जा, तुझ पर अच्छी लगेंगी. क्यों माँ, ये भी तो अच्छी है, शादी वाला घर है, अच्छा लगेगा. ले अब जल्दी से खा ले. हाँ जी, कहाँ से? गोल्डी लॉक से हूँ. अकेली हो? ना, मेरी मरी हुई दादी साथ आई है, यहीं खड़ी है, दिख नहीं रही है. अरे मैडम किचकिचवाड़ा ना करें, यहाँ दो लोग लिखे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ. अरे दूसरी आ रही है, रुको. हाँ चाची. अरे मरी पगली फिल्म कहाँ रह गई तू? चाची वो
मैं ना शायद रास्ता भूल गई हूँ। अरे तू और तेरे रास्ते, न जाने क्या दुश्मनी पाल रखी है तूने रास्तों से। अरे कभी तो टाइम पे पहुँच जा। नहीं चाची, मैं बस पहुँच ही रही हूँ, मैं आसपास ही हूँ कहीं। हाँ अरे तेरे लिए तो दिल्ली भी इंदौर के पास ही है। अच्छा सुन, जब पहुँचेगी ना तो ब्यूटी पार्लर का नाम लेना, वरना अंदर ना घुसने देंगे, समझी? हाँ चाची, हाँ हाँ। भैया आगे से ना आप लेफ्ट ले लो, नहीं राइट, नहीं राइट ले लीजिए आप, राइट। हाँ हाँ भैया, यही बस, ये हाँ बराबर, ये लीजिए जल्दी। हाँ कहाँ घुसी जा रही हो? वो अंदर। हाँ हाँ अंदर, पर नियोता का कार्ड है भैया। वो मैं मेहमान नहीं हूँ, वो मैं अंदर काम करने आई हूँ अंदर। यूनिफॉर्म कहाँ है? वो ऑटो तो गया, क्या करूँ? यूनिफॉर्म कहाँ है? ऑटो तो गया। हाँ हाँ, तो वो कौन सा शादी में नाचने आया था? भैया यूनिफॉर्म उसी में रह गया, क्या क्या कालू चाचा। अच्छा मिठाई वाले के संगो, जाइए ना, पहले कहना था आपको। थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे बेटा तू यहाँ कैसे? वो मैं चाची को काम में मदद करने आई थी। जा बेटी जा अंदर, और अगर कोई मुश्किल हो ना तो मुझे बुला लेना। ठीक है चाचा। जा बेटा। गोल्डी लॉक। हाँ मम्मा बैर तो आ गई, बाकी के बैज कहाँ हैं? Oh my God, she's laughing. इतनी dumb है ये। अच्छी अभी कहाँ? जवानी में हुआ करते थे बम, अब तो बबूले में दीपक से रह गए। अरे पगली फिल्म से कहाँ रह गई थी? चाची वो मैं वो यूनिफॉर्म कहाँ है तेरी? चाची वो मैं भूल गई रिक्शे में। अरे यार तू खुद क्यों ना छूट गए रिक्शे में? यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना सबके पास यूनिफॉर्म है, किसी ने तुझे पकड़ लिया तो मुसीबत नहीं हो जाएगी? चाची मैं ना एकदम छुप छुप के काम करूंगी, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। वैसे भी भगवान ने तुझमें कुछ चिपकाया तो है नहीं कि किसी का ध्यान जाए। चलो ये पकड़। अरे ध्यान से, और जाकर ना इसमें गर्म पानी भर के ला पेडीक्योर के लिए। गर्म पानी? हाँ। सर आपको एमी मौसी बुला रही है। एमी मौसी? हाँ। मुझे क्यों बुला रही? कहाँ है? इधर ही है। एक्सक्यूज मी, वो बाथरूम कहाँ है? वॉशरूम जाना है। नहीं नहीं मुझे वॉशरूम नहीं जाना, मुझे इसमें गर्म पानी चाहिए था। तो फिर किचन में जाओ ना। नहीं 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 नहीं, मुझे पीने के लिए नहीं चाहिए, मुझे इसमें वो Excuse me. जी मुझे वो गर्म पानी चाहिए था। जी गर्म पानी इस तरफ मिलेगा। थैंक यू। वेलकम। यही शौक देखना था मुझे तुम्हारे चेहरे पर। नाइस।
I'm sorry, मैं expect नहीं कर रहा था कि तुम मैमी हो। क्या है ना देव, जिंदगी ने मुझे कुछ ऐसे surprises दिए, तो मैंने जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। अब मैं जिंदगी को surprise देती हूँ। सुनिए वो गर्म पानी कहाँ से लाऊं? गर्म पानी किसको पूछूं? तुम्हारी बहन शादी के बाद मेरे यहाँ आने वाली है। कितना प्यार करते हो उसे? बहुत। चाहते हो कि वो खुश रहे? Of course. क्या कर सकते हो उसकी खुशी के लिए? कुछ भी। On your knees. I'm sorry. अपने घुटनों पर आ जाओ। Come on, Dev. अपनी बहन से प्यार नहीं करते? किससे पूछूं? यहाँ तो कोई भी नहीं। अब अपने ब्रांडेड कपड़े उतार दो। ये क्या बदतमीजी अम्मा? अरे एक शेरवानी तो उतारने बोल रही हूँ। देव सोच लो, तुम्हारी बहन जिंदगी भर अब मेरे साथ रहने वाली है, रिस्क क्यों ले रहे हो? अब अपना हाथ मेरे हाथ में दो ना दी, फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, पुराने दिन की यादों के लिए, कुछ दर्द के लिए और कुछ खुशियों के लिए। सॉरी वो गर्म पानी चाहिए था। मैं दिखाता हूँ, आइए। I'm sorry, वो किसी ने मुझसे कहा कि ऊपर जाओ, ऊपर से लेफ्ट लो तो वहाँ पे एक बाथरूम। तो जान ही ले लेंगी। ये क्या किया अंकल जी?